एक पुरानी कहावत है कि अब आओ ऊंट पहाड़ के नीचे, और यह कहावत इसे है काहे कि ऊंट अपने आप को बहुत बड़ो समझत है, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आओ तो ऊंट भी छोट हो जात। कछु जो ही हाल हो रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, जिते भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक जो कांग्रेस में तमाम तरीके की अपनी बातें मनवा लेते और इसके बाद भी उनने सरकार गिरा के भाजपा में आ गए, भाजपा की सरकार बनवा दी, लेकिन अब भाजपा के पहाड़ के आगे शायद छोटे नज़र आ रहे। दरअसल पूरी कहानी है चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को लेकर हो रहे खुलासे की, और ये खुलासे में जिक्र है कि कमलनाथ सरकार के दौरान लोकसभा चुनाव के लाने तमाम सारे नेताओं को पैसा दे गए। अगर इन बातों को सच मान लो जाए तो उंगली कांग्रेस की तरफ उठत है, लेकिन दूसरी उंगली और बड़ी उंगली उठ रही है उन लोगों की तरफ जो पहले तो कांग्रेस में थे या अन्य दलों में थे, लेकिन अब भाजपा के पाले में खड़े हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सरकार को बनावे के लाने जो नेता कांग्रेस से भाजपा में आए उनमें से कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको नाम वो पूरी लिस्ट में हैं जिन नेताओं को काले धन के इस्तेमाल में पैसा दे गए, और इनमें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहू लाल सिंह, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव, प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और पूर्व मंत्री एनल सिंह कंसाना समेत तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जिनको जिक्र ई पूरे लेन देन में कागजों में सामने आओ है। ई के संगे जो अप्रेजल रिपोर्ट है उनमें बहुजन समाज पार्टी के विधायक संजीव सिंह और रामबाई परिहार के आगे भी रुपया लिखे गए हैं। इसके अलावा परिवहन विभाग, आबकारी विभाग, पीएचई विभाग समेत कुल 8 विभागों से लेन देन को जिक्र बताया गया है। अब अगर जो पूरे मामले को सही माने जाए तो इसकी जांच होनी चाहिए, और इस जांच को लेकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार अब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के मूड में नहीं आ, और इसकी बड़ी वजह वे नाम है जो पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब भाजपा में हैं। को विधायक है, को पूर्व विधायक है, तो को प्रदेश की सरकार में मंत्री है। लेकिन इन सब खुलासों के बीच एक और खबर राजनीति के गलियारों में तैर रही है, और यह खबर है कि कौन सिंधिया समर्थकों पर दबाव की या कोनू रणनीति तो नहीं हो सकत कि सरकार चुनाव आयोग द्वारा जांच के निर्देश के बाद अब का करबे वाली है ई कदम को लेके। और बड़ी बात यही है कि पिछले करीब 1.25 महीना को दौर गुजर गयो, इसके बाद भी गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दाएं और बाएं हाथ माने जात वे चुनाव जीतने के बाद भी दोबारा मंत्री नहीं बन पाए। इसके अलावा चुनाव हारे वाले 3 वरिष्ठ विधायक इमरती देवी, एनल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडौतिया को राजनीतिक भविष्य का हुई है ई पे कोनू फैसला नहीं हो पाओ। प्रदेश के संगठन विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को कितनी जगह मिले ई को कछु अतो पतो नहीं आ, और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र की सरकार में मंत्री बन पे कि नहीं बन पे जो भी भविष्य के गर्त में है। पूरी राजनीति सबको समझ में आ रही, सबको दिखाई दे रही, लेकिन अब सिंधिया और उनके समर्थकों के लाने तो ना इतने के बचे ना उतने के बचे जैसी स्थिति है। सो फिलहाल जो कछु हो रहो सो बस देख रहे आँखें खोल के और मुँह बंद करके। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लाने सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।